ऐसे ही बोलिए। आप लोगों को आमंत्रित किया गया यह बताने के लिए कि 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की एक बैठक आयोजित की गई, लेकिन उस स्थिति को कई नेता, जो माननीय नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं कई, उनको असुविधा हो रही थी उस स्थिति को यहाँ आने में, इसलिए अब यह तय हो गया है कि 23 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक, जिसमें सभी दलों की सहमति प्राप्त हो गई है। कांग्रेस पार्टी से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और श्री राहुल गांधी जी ने सहमति दी है उसमें आने के लिए। पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती ममता बनर्जी जी ने उसमें सहमति दी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने स्वीकृति दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी ने स्वीकृति दी है। शिवसेना के अध्यक्ष श्री उद्धव ठाकरे जी ने सहमति दी है। एनसीपी के अध्यक्ष श्री शरद पवार जी ने सहमति दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री माननीय श्री स्टालिन साहब ने सहमति दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने सहमति दी है। सीपीआई के सचिव श्री डी राजा साहब ने सहमति दी है। सीपीएम के सचिव श्री सीताराम येचुरी साहब ने सहमति दी है। और माले के सचिव, राष्ट्रीय सचिव जो है दीपांकर भट्टाचार्य, इन्होंने सहमति दी है। और अब 23 तारीख को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होगी, यह तय हो गया है और सभी नेताओं की सहमति प्राप्त हो गई है। यही बताने के लिए आप सभी को आमंत्रित किया गया। सभी हमारे पत्रकार साथियों, विषय को राष्ट्र अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड के सांसद आदरणीय श्री नरेंद्र बाबू जी ने आप लोगों के समक्ष रखा है। कई बातें मीडिया में होकर के आ रही थी, लेकिन तिथि अब स्पष्ट हो गया है। 12 तारीख को इनके कुछ लीडर ईटीएफ के प्रयास एंगेजमेंट रही, इस वजह से आने में थोड़ी असुविधा थी, लेकिन सबका राय बना कि सब पार्टी के जो हेड हैं वो रहें, उसी तिथि को बैठक जो है बुलाई जाए। तो तय हो गया है, वेन्यू जो है वो पटना में, पटना में एक बड़ी बैठक होने जा रही है और सभी नेताओं ने अपनी सहमति दे दी है। और जो महागठबंधन की सरकार बनी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव, और सभी लोगों की ये कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्ष, जो लाइक माइंडेड पार्टीज जो हैं, उन सब को जो है गोलबंद किया जाए, एक साथ बैठा जाए, रणनीति तय की जाए। तो हमको लगता है कि सभी लोगों का प्रयास इसमें लगा। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद, उनके साथ हम खुद कई जगह पर कई नेताओं के साथ हमारी मुलाकात भी हुई, और हमको लगता है कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो जो देश के जो हालात हैं, लोकतंत्र पर जिस प्रकार से प्रहार किया जा रहा है, संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, मुद्दे की बात नहीं हो रही है, एक तरफा तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है, तो उसको देखते हुए एक अहम बैठक पटना में होने जा रहा है, तो एक बड़ी अच्छी खबर है। और हमको लगता है कि इस बैठक के होने के बाद जो है एक पॉजिटिव रिजल्ट जो है सामने आए, और बाकी बात तो बैठक होगी उसके बाद जो है बात आप लोगों से की ही जाएगी। तो इसीलिए आप सब लोगों को आमंत्रित किया गया ताकि आप सब लोगों को हम लोग सूचित करें। राहुल जी और खड़गे जी आ रहे हैं, कंफर्म। ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि 350 सीट का उनका डिमांड है, उसमें कहीं ना कहीं लोग को है कि हम
लोगों को कम मिलने वाला है। ये सब अलग बात है, अलग बात है, अभी बात हो रही है विपक्ष और विपक्ष एक होकर 2024 का चुनाव लड़ेगा। जैसा माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने बताया, देश में आज की तारीख में अघोषित आपातकाल लागू है। कोई एक चूस शब्द अपनी जुबान से नहीं निकाल सकता है, और जो एक शब्द चूस अपने जुबान से निकाला सरकार के खिलाफ, उस पर तुरंत तोतों की कार्रवाई शुरू हो जाती है। तो इसलिए आज की आवश्यकता है कि भाजपा मुक्त यह देश बने, देश में फिर से लोकतंत्र स्थापित हो, और विपक्षी एकता की जो बैठक 23 तारीख को यहाँ होने वाली है, एक उसमें अहम भूमिका निभाएगा। यह K-Mall, a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now.